जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। बोले कि ईश्वर ने मुझे ऐसा एक कार्य विशेष या क्षेत्र विशेष में काम दिया जो कि मेरा शौक भी है, आप सबसे मुलाकात होती रहती है, बट कुछ कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है इसका हमें भी बड़ा इंतजार रहता है, यादगार रहती है। तो हर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काम करने वाले आदमी का ड्रीम होता है कि मैं किसी दिन एक पिक्चर बनाऊँ। मेरा भी ड्रीम था, है और रहेगा कि मैं पिक्चरें बनाऊँ। हमने पहले भी फिल्म निर्माण क्षेत्र में हाथ डाला है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के सामने मेरे द्वारा निर्देशित मेरी आगामी फिल्म द 100 बक्स की आज घोषणा करने के लिए हमने आज यहाँ पे आपको बुलाया है। मैं सबसे पहले दिल से और हार्दिक आभारी हूँ क्योंकि बिना इन्वॉल्वमेंट के या बिना प्रोड्यूसर्स के आप कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं कर सकते जिसे लेकर आप ऑन एयर जाएँ, क्योंकि हर जगह पैसा भी मस्त होता है। तो सबसे पहले मैं आभारी हूँ मेरे प्रोड्यूसर्स का जो मेरे साथ में मौजूद हैं, हमारे राजस्थान से ऑल द वे ट्रेवल करके आई हुई हैं डॉक्टर प्रतिमा तोतला जी, इंटरनेशनल फैशनिस्ता और अपने आप में एक हस्ती हैं। दूसरी शख्सियत हैं श्री विभव तोमर जी, ऑलरेडी विभव भैया भी दिल्ली से स्पेशली ट्रेवल करके आए आप लोगों से बातें करने और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी धर्म पत्नी रितु जी, उन्होंने कहा कुछ पैसे चलो मैं भी दे दूंगी आपको। यस, होम मिनिस्टर इज ऑल्सो हियर। एंड हमारे बीच में एक और सेलिब्रिटी मौजूद हैं जिनको साउथ में लेडी रामदेव के नाम से भी हम लोग मजाक में बोलते हैं, मानसी गुलाटी, फेस योगा की पायनियर हैं और आप सब लोग में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे, बहुत जाना पहचाना चेहरा है, एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इनकी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एसोसिएट हो जाइए हमारी फिल्म से, तो आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी जो USP है या आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर कोई भी हमारी कंट्री में आज की डेट में ऐसे महामहिम राज्यपाल या ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिनको इन्होंने योगा न कराया हो, बड़े बड़े सोशल कॉज को लेकर, और कई संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मानसी भी जुड़ी हुई है इस फिल्म से,
मेरे छोटे भाई की तरह से आप मेरे हर प्रोजेक्ट में देखते होंगे, जैद शेख बी केयरफुल से लेकर और अनगिनत इनके झोली में फिल्में हैं या कई ऐसे सिनेमा के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बतौर आप इनसे आपका इनसे तारुफ भी और आप इन्हें ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करते हैं। और मेरे साथ हैं मेरी म्यूज़िक कंपोज़र इंद्राणी भट्टाचार्य जी, मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, और इनके म्यूज़िक में इतनी कशिश है, इतना कमाल का ये म्यूज़िक बनाती हैं। तो जब आप, अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन आप सुनेंगे तो आई एम श्योर कि 2019 का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक, बट लेकिन 2019 का एक मेमोरेबल म्यूज़िक इस फिल्म के थ्रू आपको देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिल्म जिसके ऊपर केंद्रित है, देखा जाए तो हम सब तो मोरे हैं, इस फिल्म का कोई सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाएगा तो हमारी हीरोइन उठाएगी, क्योंकि सारी फिल्म उसी के ऊपर केंद्रित है, ये वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट है। कविता हमारे बीच मौजूद है, द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस। आज की डेट में बात करूँ, मुझे इंडस्ट्री के हमारे जो कई जो सीनियर लोग हैं उन्होंने इनसे मिलाया, हम लोगों ने बातें की, इन्होंने सब्जेक्ट को समझा, मैंने इनको बोला कि आप मेरे ख्याल से यू आर फिट फॉर दिस कैरेक्टर एंड शी रेडी टू वर्क विद अस, तो इट्स अ प्लेजर। तो मैं सबसे पहले तो अगेन आप सबके माध्यम से ही, वैसे ही मैं यहाँ मौजूद सभी मौजूद अपने मेहमानों का, अपने दोस्तों का और अपने जो मेरे सहयोगी उनका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। और द हंड्रेड बक्स में क्या होने वाला है ये तो आपको द हंड्रेड बक्स देख के पता चलेगा, बट लेकिन ये फिल्म एक ऐसे सामाजिक परिवेश या ऐसी एक हमारे समाज की जो देखा जाए जो कुरीति भी है और जो एक बड़ी दुखद एक कम्युनिटी है उस पर आधारित है। और हालांकि इस विषय पे बहुत सारे फिल्मकारों ने, बड़े बड़े फिल्मकारों ने, हम लोग तो कुछ भी नहीं, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं और बना रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन मेरी इस फिल्म में हम लोगों ने समाज के हर पहलू को छूने की कोशिश की है। हमारी कोशिश रहेगी हमारी ऑडियंस हंसे भी, हमारे साथ रोए भी, हमारे साथ रोमांस में भी डूब जाए, तो ऐसा प्रयास है इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों का। और हम लोग ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोग भी हमारे काम से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये मेक श्योर करता हूँ कि हम 2019 में अपने सिनेमा जगत को एक बेहतरीन फिल्म देने की कोशिश करें। अच्छा, वो आज ही पूरा सारा ये डेफिनेटली प्रोस्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट लिया है हम लोगों ने, लेकिन इट्स नॉट लाइक हार्ड कोर प्रोस्टिट्यूशन बेस्ड फिल्म। इस फिल्म में हम लोगों ने उनका एक दर्द है उसको एक समेटने की कोशिश की है और बड़े डिफरेंट तरीके से, मैं आपको मेक श्योर करता हूँ टिल रिलीज तक आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इस फिल्म का स्टोरी क्या है और इसकी यूएसपी क्या है इस फिल्म की। कविता आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लीड है, कितना प्रिपरेशन करवाया सर ने और आज पहला दिन है, एक्साइटेड नर्वस आगे बताएं। मेरे को तो एक्चुअली ये ऐसा कैरेक्टर है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छे इसको निभाऊँ और मैं इसकी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ हर रोज, और सर मुझे ट्रेन कर रहे हैं कि ऐसे करना है कैसे करना है, बिकॉज ये कैरेक्टर रियली डिफरेंट है, बाकी नॉर्मल लाइफ में हम जो करते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है, तो थोड़ा मुझे इस चीज़ के लिए डर है, बाकी तो आई एम कॉन्फिडेंट। सर की तरफ से क्या ब्रीफ मिला है? ब्रीफ तो वो स्टोरी के बारे में ही है कि कैसे करना है आपको, क्या लैंग्वेज है, क्या स्टाइल है, ये सारी चीज़ें हैं। सर एज अ प्रोड्यूसर आपसे जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल होता है जब कोई भी प्रोजेक्ट लेके आता है उसको ट्रस्ट करना, और सर ये प्रोजेक्ट कैसे आया थोड़ा सा बताइए, कैसा बॉन्डिंग रहा है सर के साथ? दुष्यंत जी पे हमेशा विश्वास रहा है, बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह विश्वास करते हैं, और जब इन्होंने मुझसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, भैया थोड़ा बताइए क्या इसके बारे में, एंड ही ब्रीफ मी, आई सेड कि इट्स अ वेरी गुड सोशल कॉज विच यू आर गोइंग टू डू एंड यू आर गोइंग टू गिव ए वेरी गुड मैसेज टू द सोसाइटी। Immediately I said, please go ahead, my blessings will be there and I will be with you always. God bless. Ma'am, how's the association with him and how you come up with the project? देखिए दुष्यंत जी ने मुझसे जिक्र किया था इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक, इस मूवी के बारे में, ये इन्होंने मुझे 6 महीना पहले किया था और इन्होंने बोला था इनका सालों का ड्रीम है, तो जब किसी इंसान का कोई सालों का ड्रीम होता है जब वो उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें उनकी सारी ताकत, दिल, और वो एक बहुत खूबसूरत रूप लेके ही निकलेगा आई एम श्योर।
और जैसा कि सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट भी बहुत सबकी चीज़ें बिजनेस के लिए नहीं होती, हालांकि ठीक है हम बिज़नेस के लिए कर रहे हैं लेकिन कुछ समाज के लिए भी होती हैं, और ये एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसके लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ें और होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और एक नया सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। मैम आपसे जानना चाहूँगा, आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया सर ने, थोड़ा सा बताइए कैसे ऑन बोर्ड आए और जब सर ने बताया फिल्म के बारे में क्या रिएक्शन था? मेरे लिए इज़ लाइक फैमिली टू मी, एंड मैं योग कराती हूँ तो योग मेरे को भी 19 साल हो गया योग करते करते, तो योग भी मैं यही बताती हूँ कि योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं होता, मंत्र को जपना नहीं होता, इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये भी जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये आशा करती हूँ कि जो हम ये काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा, 100% आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। ऋतु मैम आपसे जानना चाहूँगा, आई एम श्योर सर ने सबसे पहले बताया होगा आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो क्या सजेशन था आपकी तरफ से, क्या आपको चेंजेस किए आपने, थोड़ा सा बताइए कैसी मतलब कैसे कोऑर्डिनेशन। जैसा कि अभी प्रतिमा जी ने बताया कि ये बहुत पुराना सपना है, तो जब पति का कोई सपना होता है तो पत्नी का तो उसमें हो ही जाता है वो, तो ये हमारा सामूहिक सपना रहा, और जब से मतलब शादी के 2-4 साल बाद से ये कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट पे एक मूवी बनानी है, और एक स्त्री होने के नाते बड़ा टचिंग सब्जेक्ट है, और तो मैं इससे अपने आप को बहुत जोड़ कर लगा कि नहीं, जहाँ पे हम इतनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारे समाज का एक वर्ग अभी भी इतना उपेक्षित है और जिनको सम्मान की बहुत ज़रूरत है, हम उस वर्ग का हम सम्मान नहीं कर पाते बिल्कुल भी, उसके कार्य को हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, कि तो बस वही यही सब्जेक्ट इतना ज़्यादा टचिंग और इतना इमोशनल है, तो मुझे लगा नहीं इसमें मुझे अपना थोड़ा सहयोग करना चाहिए, इसी वजह से इससे जुड़ी। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर के साथ हमने हमेशा आपको देखा है, हर प्रोजेक्ट में देखा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का, और ये फिल्म में पर्टिकुलर फिल्म में क्या क्या एसोसिएशन होने वाला है, थोड़ा सा किरदार के बारे में। दुष्यंत भाई बिल्कुल बड़े भाई जैसे मेरे, और इनके हर अवार्ड फंक्शन, हर शो और हर इवेंट में आप मुझे देखते हैं, वैसे ही आप इस मूवी में भी मुझे देखते हैं, एंड इन्होंने कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रखा, इन्होंने मुझे कहा कि ये मूवी तुझे करनी है और ना मैं इनसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। मैंने ये ब्रिटबक्स की काफ़ी दिन पहले, ये पहले भी एक बार पब्लिश हो चुकी है दुष्यंत भाई ने काफ़ी पहले, तो मैं इसको रीड कर चुका हूँ। मुझे लगता है इस साल की बेहतरीन स्क्रिप्ट में से, बेहतरीन स्टोरीज में से ये रहेगी, और जो कैरेक्टर है इसमें कविता का, इट्स आउटस्टैंडिंग। एक ऐसी कहानी है जहाँ पे लोगों को काफ़ी एक नज़रिया जो हमारा प्रोस्टिट्यूट्स के लिए होता है वो काफ़ी चेंज होगा, एंड आई होप जो म्यूज़िक इंद्रानी जी और दुष्यंत भाई जो वर्क कर रहे हैं, जो इनका TRP है म्यूज़िक, जो इनका जोनर है, वो मैंने कुछ सुने हैं कुछ चीज़ें, तो अमेजिंग वर्क। आई होप कि इस तरह म्यूज़िक और स्टोरी डायरेक्शन और हम लोगों की एक्टिंग और ये एक कंबाइंड पैकेज आप लोगों को देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुष्यंत पिछले कुछ अर्से से जो आपने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो चर्चों में लोकप्रिय रहे, तो इस सफलता का राज क्या? वो आपने कहावत सुनी होगी, गेहूं के साथ बथुए को पानी लग जाता है। जैद, ऋतु जी, मानसी, प्रतिमा जी, विभव जी, कविता, इंद्राणी, तो मुझे अवसर मिलता है ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का, तो डेफिनेटली वो तो चर्चा में और सफल हो ही जाएगा प्रोजेक्ट। तो मैं इस सब के पीछे मेरे साथ जो लोगों की जो ब्लेसिंग्स जो जुड़ी हैं, आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ आपको एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। वी आर नॉट टिपिकल, मैं हमेशा बोलता हूँ वी आर नॉट टिपिकल फिल्मी पीपल, तो मुझे इतना ब्लेसिंग्स और सपोर्ट मिलता है लोगों का, और मेरी एक्सपेक्टेशन ही कभी ज़्यादा नहीं होती, हम लोग ज़्यादा बात ज़्यादा करते भी नहीं, आप हमें बहुत टाइम से जानते हैं, सालों से जानते हैं, 18-20 सालों से, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं केवल सिर्फ मेरे जो रिलेटिव रिलेशंस हैं या मेरे मुझे जो प्यार मिलता है मैं उसी को देता हूँ। शूटिंग कहाँ का होने वाली, क्या प्लान्स क्या? शूटिंग इसकी बॉम्बे में करेंगे हम लोग सारी, एक कुछ हो सकता है कुछ प्रमोशनल सीन्स हम लोग शायद ओवरसीज करें, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है हम लोग इंटायर फिल्म मुंबई शूटिंग। देखिए एज अ मेकर पहली बात तो सिनेमा जो है, जो मेरा जो बनाने का तरीका है, मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ सबसे पहले तो अपने लिए, जो मेरी सोच है, उसके बाद मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ एक पॉजिटिव म्यूज़िक के साथ, पॉजिटिव स्क्रिप्ट के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ। म्यूज़िक में अगर मैं बात करूँ तो मुझे आज जो म्यूज़िक है आज थोड़ा सा सूदिंग आने लगा है, बट मैं चाहता हूँ वो जतिन ललित के म्यूज़िक वाला जो समय था वो लौट के आए, तो और मेलोडी बहुत पसंद है मुझे, इंद्राणी शी बिलोंग्स टू
कलकत्ता डेफिनेटली, तो बंगालीज तो वैसे ही अपनी मेलोडी और म्यूज़िक के लिए मतलब उनसे बड़ा तो नाम किसी ने बनाया नहीं संगीत में। तो हम लोग का जो फोकस है वो मेलोडी पे ज़्यादा है म्यूज़िक में, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम एक ऐसा मीठा बनाए कि आप जब गाना सुन तो आपको लगे आपने कोई टॉफी खाली मेलोडी वाली खा लेते थे, तो ऐसे ही आप मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।